ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। उसका जो है 6 सितंबर को ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहाँ जहाँ जो जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है, इनकी सारे काले चिट्ठे खोल, उसका जो है 6 सितंबर को ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहाँ जहाँ जो जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। धन्यवाद। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रणौत लोक सभा चोणां तों बाद लगातार सुर्खियां दे विच बनी हुई है। कंगना मंडी तो भाजपा की टिकट उत्ते चोन लड़के संसद मैंबर बनी अते संसद भवन पहुंची। कंगना रणौत ने एमरजेंसी की रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिता है। दस दिए कि यह फिल्म 6 सितंबर को रिलीज़ होगी। इसलिए हुण कंगना की इस मशहूर फिल्म की प्रशंसकों की उड़ीक खत्म हो गई है। इस फिल्म बारे गल करते हुए कंगना ने विरोधी धिर उत्ते निशाना साध्या। देखो कंगना रणौत ने विरोधी धिर बारे की कुछ कहा। उसका जो है 6 सितंबर को ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहाँ जहाँ जो जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनकी सारे काले चिट्ठे खोल, उसका जो है 6 सितंबर को ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहाँ जहाँ जो जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। धन्यवाद।